हेलो फ्रेंड्स, 2.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो अब बाकी है वो हम आज इस सेशन में लेने वाले हैं। ये एक्सरसाइज को मैंने काफी पार्ट्स में डिस्कस किया है, जिसके अंदर मैंने कुछ थियरी और कुछ सम्स इस तरह से मैंने पूरा ये कंप्लीट किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो मैंने इसी वजह से एक साथ थियरी नहीं कवर किया, थोड़ा थियरी और थोड़ा उसके रिलेटेड जो सम्स है, दैट वे आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट। एंड जो जिससे कि स्टूडेंट्स को भी ये कन्वीनियंट रहे। फाइन, लास्ट लेक्चर वी हैड सीन द एडजॉइंट मेथड, वो मैंने मेरे तरफ से एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं, जो खास एडजॉइंट मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। अब ये एडजॉइंट मेथड का पूरा एक आप क्वेश्चन जब कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इसमें माइनर कैसे निकालना वो भी कवर हो जाता है, कोफैक्टर कैसे निकालना वो भी कवर हो जाता है, और फाइनली जो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है वो भी उसमें आ जाता है। एंड लास्टली द फोर्थ स्टेप, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला यूज करके वो भी आपको निकालना है। बिकॉज लास्ट जो एडजॉइंट ए जो हम निकालते हैं उसका उपयोग उसके ए इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढने के लिए हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन इन्होंने इस तरह से रखे हैं, तो खाली आपको कोफैक्टर निकाल के बताना है। तो हमने कोड वर्ड रखा हुआ है याद, कि भाई एम सी ए, माइनर, कोफैक्टर और फिर एडजॉइंट। तो कोफैक्टर जो है वो निकालने के लिए बोल रहे हैं इन लोग, और कोफैक्टर निकालने के लिए मेरे पास पहले माइनर होना जरूरी है। स्टूडेंट, ये सब चीज ऑर्डर 3x3 मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, एज वेल एज 2x2 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। और जो 3x3 ऑर्डर के लिए आपको मालूम पड़ता है, तो ये 2x2 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए काफी इजीली आप कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिनमें उन्होंने सिर्फ कोफैक्टर निकालने के लिए बोला है। दैट इज नंबर फर्स्ट, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। Let A matrix is the given, that is 1, 2, 5, minus 8. Okay? और इसके हमको पहले तो माइनर्स निकालने हैं, एंड देन वी विल फाइंड आउट इट्स कोफैक्टर्स, एंड देन वो कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के मदद से हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, तो चार एलिमेंट है तो चार माइनर होंगे और चार कोफैक्टर्स होंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट माइनर्स। सो फर्स्ट माइनर्स निकालेंगे हम, उसके अंदर फर्स्ट M11। अब स्टूडेंट्स, जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो उसमें माइनर डायरेक्टली ही दिखता है, नथिंग टू कैलकुलेट अबाउट इट। कैसे? तो कि ये 1-1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये जो एलिमेंट है उसका हमें माइनर निकालना है, तो वो रो और वो कॉलम को गायब कर दो, एलिमिनेट कर दो, तो कौन सा एक एलिमेंट बचता है? -8 बचता है। सो -8, दैट एलिमेंट विल बी द माइनर ऑफ इट। सेकंड M12, इसका माइनर निकाल लेंगे तो ये एलिमेंट का माइनर क्या बन जाएगा? तो कि वो जो एलिमेंट है उसको, उसका रो और उसका कॉलम एलिमिनेट करो, जो एलिमेंट बचता है वो उसका माइनर होगा, दैट इज 5। थर्ड M21, दिस एलिमेंट, इसका माइनर क्या होगा? तो कि ये जो एलिमेंट है उसका रो और उसका कॉलम को आप एलिमिनेट करके देखो क्या बचता है, दैट इज। एंड फोर्थली
एम टू टू का माइनर आएगा वन, चार एलिमेंट के चार माइनर मिल गए। नाउ कमिंग टू द कोफैक्टर सेकंड पार्ट, कोफैक्टर्स। सो दिस विल बी फर्स्ट कोफैक्टर सी वन वन, जितने भी एलिमेंट है उसमें सभी के कोफैक्टर्स निकलेंगे ना। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द कोफैक्टर? यू नो दैट फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन माइनस वन इन द ब्रैकेट, उसका पावर क्या लिखने का, क्योंकि जो पोजीशन है वन वन उसका एडिशन वन प्लस वन, और मल्टीप्लाई में एम वन वन उसी पोजीशन का माइनर उसको मल्टीप्लाई करने का। चलिए माइनस वन रेस टू टू इंटू एम वन वन क्या आया था माइनस एट, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन इंटू माइनस एट दैट विल बी द माइनस एट। नेक्स्ट सी वन टू, दिस विल बी माइनस वन रेस टू वन प्लस टू इंटू एम वन टू विच विल बी माइनस वन रेस टू थ्री इंटू एम वन टू क्या आया था जी फाइव, माइनस वन रेस टू थ्री माइनस वन, माइनस वन इंटू फाइव दैट विल बी माइनस फाइव। नेक्स्ट सी टू वन, माइनस वन रेस टू टू प्लस वन इंटू एम टू वन, ओके माइनस वन रेस टू ये हो जाएगा थ्री। व्हाट इज एम टू वन? एम टू वन हमारे को मिला है टू, माइनस वन रेस टू थ्री माइनस वन, माइनस वन इंटू टू दैट विल बी माइनस टू। एंड फोर्थ वन सी टू टू, माइनस वन फिक्स है पोजिशन है टू टू, दैट मीन्स यू टू राइट द पावर टू प्लस टू इंटू एम टू टू, ओके सो माइनस वन रेस टू फोर इंटू एम टू टू क्या है जी वन, सो माइनस वन रेस टू फोर इज वन, वन इंटू वन वन। दिस वे वी हैव ऑब्टेन कोफैक्टर्स एंड नाउ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस कोफैक्टर्स इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स विल बी माइनस एट माइनस फाइव माइनस टू वन, दिस वे वी कैन ऑब्टेन कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये तो काफी आसान हो जाता है, जब टू बाय टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है इट विल बी वेरी मच कन्वीनियंट। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल दे हैव गिवन फॉर ऑर्डर थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स। चलिए दिस वन इज डन, फर्स्ट वन इज डन, सेकेंड की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड में हमें जो मैट्रिक्स दिया उसको हम अज्यूम करेंगे लेट ए फाइव एट सेवन माइनस वन माइनस टू वन माइनस टू वन वन। चलिए अब इसका हमें कोफैक्टर निकाल के लेना है, तो पहले हमारा स्टेप माइनर का, फर्स्ट वी विल फाइंड माइनर्स, फर्स्ट नौ एलिमेंट है नौ माइनर्स निकलने हैं, सो एम वन वन सो इट विल बी माइनस टू वन वन वन, ये डिटरमिनेंट बनेगा ऑर्डर टू का। सो दिस विल बी, इसको सॉल्व करो तो ये माइनर मिल जाएगा आपको माइनस टू इंटू वन माइनस टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री।
नेक्स्ट M12, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट M12 का एलिमेंट है ना, जो उसका माइनर क्या मिलेगा, उसके लिए डिटरमिनेंट क्या बनेगा पहले, दैट इज -1 1 -2 1, दिस इज -1 -2 -1 +2, दिस इज +1। थर्ड M13, चलिए M13 ये एलिमेंट का माइनर के लिए क्या डिटरमिनेंट बनता है, -1 -2 -1 -1 -+4, दिस -5, दिस इज -5। देन M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट का माइनर, दैट इज -1 का माइनर, वो रो और वो कॉलम को एलिमिनेट करो, कौन से एलिमेंट मिलते हैं तुमको, 8711। सो दिस विल बी 8 -7 1। नेक्स्ट माइनर फॉर M22, चलिए इसके लिए मेरे को डिटरमिनेंट बनेगा 5 7 -2 1, 5 7 -2 1, दैट विल बी 5 -14। ओके सो 5 -14, 5 + 14, एंड देन वी विल फाइंड नेक्स्ट माइनर M23 का माइनर के लिए डिटरमिनेंट बनेगा 5 8 -2 1, -16, 5 + 16 21। M31, इसके लिए माइनर बनेगा 8 7 -2 1, 8 - 14, 8 + 14, 22। Next is M32, इसके लिए माइनर क्या बन जाएगा, 5 7 -1 1, 5 7 -1 1, 5 - -7, 5 + 7, that is 12. And lastly M33, इसके लिए माइनर क्या हो जाएगा, 5 8 -1 -2, 5 8 -1 -2, 10 -8, 10 + 8, that is -2.
ये माइनर्स मिल चुके हैं, अब हम कोफैक्टर्स के एलिमेंट निकालेंगे। सेकेंड हेडिंग कोफैक्टर्स, उसके बाद कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना देंगे, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सो पहले कोफैक्टर सी वन वन एलिमेंट का माइनस वन रेस टू वन प्लस वन इंटू एम वन वन, दैट विल बी माइनस वन रेस टू टू, एम वन वन क्या है माइनस थ्री, सो वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री। नेक्स्ट सी वन टू को फैक्टर ऑफ एलिमेंट वन टू पोजिशन, तो क्या होगा फॉर्मूला, माइनस वन पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू, सो एम वन टू क्या है वन, वन रेस टू थ्री, माइनस वन रेस टू थ्री, और ये है वन, इट विल बी माइनस वन, माइनस वन। थर्ड सी वन थ्री, दैट इज माइनस वन रेस टू वन प्लस थ्री इंटू एम वन थ्री, तो माइनस वन रेस टू फोर, एम वन थ्री क्या है माइनस फाइव, ओके ये आ जाएगा आंसर माइनस फाइव। नेक्स्ट माइनर निकालेंगे सी टू वन, सी टू वन इज माइनस वन रेस टू टू प्लस वन इंटू एम टू वन, सो माइनस वन रेस टू थ्री इंटू एम टू वन क्या है, एम टू वन इज वन, दिस इज माइनस वन। नेक्स्ट फिफ्थ सी टू टू, दैट इज माइनस वन रेस टू टू प्लस टू इंटू एम टू टू, सो माइनस वन रेस टू फोर, और एम टू टू क्या है, एम टू टू इज नाइनटीन इंटू नाइनटीन, सो इट विल बी नाइनटीन। सिक्स सी टू थ्री, माइनस वन रेस टू टू प्लस थ्री इंटू एम टू थ्री, सो दिस इज माइनस वन रेस टू फाइव, और एम टू थ्री क्या था ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन, और ये है माइनस वन, दिस इज माइनस ट्वेंटी वन। सेवेंथ सी थ्री वन, माइनस वन रेस टू थ्री प्लस वन इंटू एम थ्री वन, सो माइनस वन रेस टू फोर इंटू एम थ्री वन क्या आ जाएगा ट्वेंटी टू, सो दिस इज ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू। एट सी थ्री टू, माइनस वन रेस टू थ्री प्लस टू इंटू एम थ्री टू, माइनस वन रेस टू फाइव इंटू एम थ्री टू क्या है ट्वेल्व, दिस इज माइनस ट्वेल्व। एंड लास्टली सी थ्री थ्री, माइनस वन रेस टू थ्री प्लस थ्री इंटू एम थ्री थ्री, दैट इज माइनस वन रेस टू सिक्स इंटू एम थ्री थ्री क्या था माइनस टू, इंटू माइनस टू विच विल बी माइनस टू। तो स्टूडेंट ये सब हमें नाइन एलिमेंट्स मिल गए हैं को फैक्टर्स के। नाउ वी विल मेक अ मैट्रिक्स फॉर्म। नाउ
फैक्टर मैट्रिक्स विल बी, ये सभी एलिमेंट को आप मैट्रिक्स से फॉर्म में लिख दो, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फाइव, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फाइव, नेक्स्ट वन नाइनटीन माइनस ट्वेंटी वन, वन नाइनटीन माइनस ट्वेंटी वन, और ट्वेंटी टू माइनस ट्वेल्व माइनस टू, दिस इज अवर कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो ये आपने एडजॉइंट मेथड के हिसाब से पूरा इनवर्स का प्रोसेस देखा है, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज इट इज इन बिटवीन। हमने को कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे इनवर्स के लिए ढूंढना पड़ा था, उसी को हम यहाँ अलग से ढूंढ रहे हैं। हम लोग इतना ही भी क्वेश्चन कोफैक्टर ढूंढने तक का भी पूछ सकते हैं, ऑर्डर टू ऑर्डर थ्री मैट्रिक्स जो भी हो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, दे कैन आस्क। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसमें हमें एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है। अब कोफैक्टर के बाद एक और उन लोग आगे का स्टेप पूछ रहे हैं हमको कि भाई एडजॉइंट भी निकाल के बताओ। तो एडजॉइंट में अपने को मालूम है, अगेन वी रिक्वायर्ड माइनर, अगेन वी रिक्वायर्ड उसके बाद कोफैक्टर, एंड देन वी विल वी कैन ऑब्टेन एडजॉइंट। तो आपको एडजॉइंट तक पहुंचना है, और उसमें भी आपको दो एग्जांपल पूछे हैं फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू एंड ऑर्डर थ्री, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स बी टू माइनस थ्री थ्री फाइव। अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, उसमें माइनर को अलग से हमने निकाला। यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली कोफैक्टर आल्सो, माइनर को अलग से फाइंड नहीं करके आप कोफैक्टर के ही स्टेप में माइनर को भी इंक्लूड करके डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी जो मुझे अभी एडजॉइंट तक पहुंचना है, उसमें भी मेरे को माइनर और कोफैक्टर तक का काम करना ही है, जो उसको भी मैं एक साथ काम कर लूंगा। तो ये मुझे एडजॉइंट मिलना है, और एडजॉइंट में आपको मालूम है खाली आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स जो मिलेगा उसका आपको ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, मालूम है कि नहीं। यू टू जस्ट फाइंड आउट एडिशनली ट्रांसपोज सो एज टू गेट द एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में आपको वो एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं डायरेक्ट वो जंबो मैट्रिक्स ही बनाने का, दैट विल गिव यू एडजॉइंट मैट्रिक्स डायरेक्टली। बट अभी थोड़ा हमको स्टेप दिखाने की जरूरत है, इसलिए हम लोग हर एक स्टेप को बताने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट आई वुड प्रेफर टू फाइंड द माइनर्स देन कोफैक्टर्स। देखिए मैं यहाँ डायरेक्टली माइनर को कोफैक्टर के कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करके डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ फर्स्ट हेडिंग दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फाइंड कोफैक्टर्स डायरेक्टली। कि जिसके अंदर माइनर का कैलकुलेशन में दिखा दूंगा, सो नो नीड टू डू सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ माइनर्स। फर्स्ट सी वन वन, तो क्या है फॉर्मूला, माइनस वन रेज टू वन प्लस वन इंटू एम वन वन, ठीक है। तो माइनस वन रेज टू टू एम वन वन आपको यहाँ दिख रहा ही है, ये टू का माइनर तो क्या ये फाइव होगा, दैट इज फाइव। सेकेंड सी वन टू, माइनस वन रेस टू वन प्लस टू इंटू एम वन टू, माइनस वन रेस टू थ्री इंटू एम वन टू, एम वन टू ये एलिमेंट का माइनर क्या होगा, ओके प्लस थ्री,
माइनस थ्री। थर्ड सी टू वन माइनस वन रेस टू टू प्लस वन इंटू एम टू वन, माइनस वन रेस टू थ्री इंटू एम टू वन का क्या माइनर बनता है, तो माइनस थ्री, दैट विल बी माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री, एंड दिस विल बी नेक्स्ट वन विल बी सी टू टू माइनस वन रेस टू टू प्लस टू इंटू एम टू टू, सो माइनस वन रेस टू फोर, एम टू टू क्या हो जाएगा तो कि टू, माइनस वन रेस टू फोर प्लस वन इंटू टू टू। सो ये मुझे जो है को फैक्टर्स मिल चुके हैं, एंड देयरफॉर को फैक्टर मैट्रिक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए, फाइव माइनस थ्री थ्री टू, एंड नाउ वन स्टेप अहेड दैट इज एडजॉइंट जो पूछा है हमें, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, एडजॉइंट ए शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट ए, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स दैट इज को फैक्टर मैट्रिक्स हमको जो मिला है फाइव माइनस थ्री थ्री टू उसका ट्रांसपोज, सो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम फाइव माइनस थ्री, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, दिस इज एडजॉइंट ए। तो स्टूडेंट ये आपको इस तरह से इन लोग प्रैक्टिस के लिए पूछते हैं, मगर हमने एक्चुअली ये सब चीज को इन लोग को जोड़ना है इनवर्स फाइंड करने के प्रोसीजर को, क्योंकि आपको मालूम है एडजॉइंट मेथड के अंदर ये सब हमको करना पड़ा, तो ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। सो स्टूडेंट को धीरे धीरे ये प्रैक्टिस मिले, इस वजह से ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस रखे हैं कि माइनर कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट आना चाहिए, एडजॉइंट कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं वो आना चाहिए, और फिर उसके बाद एडजॉइंट का कैलकुलेशन आना चाहिए, तो आपका इनवर्स का जो प्रोसेस है वो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मिलता है। ठीक है, दिस इज डन एडजॉइंट मैट्रिक्स फॉर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ टू बाई टू ऑर्डर। नाउ सेकेंड वी हैव टू टेक दैट इज फॉर थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स, सो फर्स्ट वन इज डन, सेकेंड शुरू करते हैं। लेट मैट्रिक्स ए अज्यूम करके स्टार्ट करेंगे, वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री फाइव माइनस टू जीरो माइनस वन, ओके, एंड डायरेक्ट वैसे ही मैं डायरेक्टली ही को फैक्टर पे जाता हूँ, देखो अलग से माइनर नहीं, क्योंकि माइनर उसी के अंदर मैं निकाल लूँ तो भी चलेगा। सो को फैक्टर्स सी वन वन तो के माइनस वन रेस टू वन प्लस वन इंटू एम वन वन, बराबर। अभी ये थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट बनेगा और उसमें से आपको एम माइनर निकलेगा, उसमें तो क्या टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स का डायरेक्ट हमारे को माइनर मिल जाता है, देख के ही ऑब्जर्व करके मिल जाता है। सो नाउ माइनस वन रेस टू टू इंटू माइनर के लिए डिटर्मिनेंट बनेगा एम वन वन के हिसाब से थ्री फाइव जीरो माइनस वन, सो माइनस वन रेस टू टू वन और वन इंटू दिस डिटर्मिनेंट माइनस थ्री माइनस जीरो दिस इज माइनस थ्री।
minus 1 raised to 1 plus 2 into m12 minus 1 raised to 1 plus 2 that is minus 1 raised to 3 into determinant. अभी 1 2 position का जो है minor के लिए determinant क्या बनेगा, minus 2 minus 5 minus 2 minus 1, so this becomes minus 1 raised to 3 minus 1 into minus 2 into minus 1 2 minus 10, so 2 minus 10 minus 8 into minus 1 plus 8. Third, C13 minus 1 raised to 1 plus 3 into M13. Okay, minus 1 raised to 4 into M13 के लिए minor क्या बन जाएगा? That will be minus 2 3 minus 2 3 minus 2 0. This is plus 1 into 0 minus minus 6. That is plus 6. Fourth, cofactor C21 minus 1 raised to 2 plus 1 into M21, which will be minus 1 raised to 3 into M21 के लिए आप माइनर का डिटरमिनेंट बनाओ, that will be minus 1 2 0 minus 1. इसको सॉल्व करिए, minus 1 raised to 3 minus 1 आएगा into this is plus 1 minus 0 1 minus 0 1 1 into minus 1 minus 1. So finally this is our cofactor C21. Next, C22 minus 1 raised to 2 plus 2 into M22 minus 1 raised to 4. M22 के लिए माइनर का डिटरमिनेंट क्या बनेगा? इट विल बी 1 2 minus 2 minus 1 1 2 minus 2 minus 1. सो दिस इज 1 1 into minus 1 minus 1 minus minus 4. So minus 1 plus 4, that is plus 3 into 1 plus 3. C23 minus 1 raised to 2 plus 3 into M23. M23, that is 1 minus 1 minus 2 0. 1 minus 1 minus 2 0. minus 1 raised to 5 minus 1 minus minus 2 into minus 1
प्लस टू, सो माइनस टू इंटू माइनस वन इट विल बी प्लस टू, इट विल बी प्लस टू. नेक्स्ट सी थ्री वन, माइनस वन रेस टू थ्री प्लस वन इंटू एम थ्री वन, माइनस वन रेस टू फोर इंटू एम थ्री वन. एम थ्री वन के लिए क्या माइनर का डिटर्मिनेंट बनेगा? दिस विल बी वन माइनस वन टू, माइनस वन टू थ्री फाइव, थ्री फाइव. सो माइनस वन रेस टू फोर वन इंटू दिस इज माइनस फाइव माइनस सिक्स, सो दिस इज माइनस इलेवन. नेक्स्ट सी थ्री टू, माइनस वन रेस टू थ्री प्लस टू इंटू एम थ्री टू, सो माइनस वन रेस टू फाइव. एम थ्री टू क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इट विल बी वन टू माइनस टू फाइव, वन टू माइनस टू फाइव, वन टू माइनस टू फाइव. ओके, सो दिस बिकम्स माइनस वन रेस टू फाइव माइनस वन इंटू फाइव माइनस माइनस फोर, दैट इज फाइव प्लस फोर नाइन. एंड लास्टली सी थ्री थ्री, माइनस वन रेस टू थ्री प्लस थ्री इंटू एम थ्री थ्री, माइनस वन रेस टू सिक्स इंटू एम थ्री थ्री का माइनर का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? इट विल बी वन माइनस वन एंड माइनस टू थ्री. वन इंटू थ्री माइनस टू, सो थ्री माइनस टू वन, वन इंटू वन वन. स्टूडेंट्स दिस वे आई गॉट दिस पर्टिकुलर नाइन कोफैक्टर्स एंड नाउ यू नो यू नीड टू गो फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स. चलिए एलिमेंट को यूज करके कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना दीजिए. माइनस थ्री एट सिक्स, माइनस थ्री एट सिक्स, माइनस वन थ्री टू, माइनस वन थ्री टू एंड देन माइनस इलेवन नाइन वन. This is my cofactor matrix. Now second part I am going to obtain adjoint A. So adjoint A is equals to transpose of cofactor matrix A. तो स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको. ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला है माइनस थ्री एट सिक्स, माइनस वन थ्री टू, माइनस इलेवन नाइन वन, इसका कोफैक्टर ले लेंगे तो आप ट्रांसपोज निकाल के ले लीजिए तो इसका आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाना है. सो फर्स्ट रो विल बिकम, फर्स्ट कॉलम नेक्स्ट सेकंड सी वन टू,
कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 2 माइनस 1 raised to 1 plus 2 इंटू m 1 2। स्टूडेंट्स माइनस 1 raised to 1 plus 2 इंटू m 1 2 के लिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या बनेगा, m 2 1 के लिए इट विल बी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है -2 5 -2 -1 -1 raised to 3 और ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, -2 into -1 2 -2 into 5 -10। सो -1 raised to 3 -1 और -2 2 -10 2 plus 10 this is 12। सो इट विल बी 12। सो नाउ स्टूडेंट वी विल क्रिएट कोफैक्टर मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर व्हिच वी हैव ऑब्टेन्ड। इट विल बी -3 -12 6 -1 3 2 -11 9 1। And now, as you know, we have to find out adjoint A. So adjoint A is the transpose of cofactor matrix, transpose of that is ये जो हमने cofactor matrix निकाला है इसका पूरे का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम -3 -12 6 -1 3 2 -11 9 1। सो स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर एज अ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को उन लोग पूछ सकते हैं कि सिर्फ माइनर निकालो या सिर्फ ये है एडजॉइंट ए तक निकालो या कोफैक्टर तक निकालो। दे मे आस्क एट डिफरेंट स्टेज। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग इनवर्स बाई एडजॉइंट मेथड। यहाँ पे अपने वो कंप्लीट क्वेश्चन पूछा है जिसमें कि हमें लास्ट इनवर्स तक का पूरा कार्यक्रम बताना है। एंड पहले तो दो क्वेश्चन दिए वो ऑर्डर 2 के फटाफट हो जाएंगे। ऑर्डर 3 का भी एक क्वेश्चन आपको अवेलेबल किया हुआ है। लेट अस फाइंड आउट इट्स इनवर्स। सबसे पहले आई एम टेकिंग फर्स्ट कंसीडर लेट मैट्रिक्स ए 3 -1 2 -1
ओके तो अब मैं जो है इसके लिए पहले तो हम इनवर्स का क्वेश्चन इसलिए याद रखो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट मेथड हो इससे इसे करने वाले हो या कोई भी मेथड से करने वाले हो, कभी भी इनवर्स फाइंड करने के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले ये डिफाइन कर लेना है कि उसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, ए इनवर्स डज एग्जिस्ट और नॉट। तो पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। This is minus 1 which is not equal to 0 and therefore determinant A is not equal to 0, therefore A is non-singular matrix. And hence A inverse does exists, or may you can say A is invertible. Okay students, now the next step is to get the cofactor matrix, and therefore first we are going to find cofactors directly. Main minor nikalne ki mood mein nahi, alag se aapko minor cofactor ke time निकाल लेने के लिए वो यूज में करना ही उसका प्रोसेस, लेकिन मगर ये है कि मैं टाइम बचा के लेना है, माइनर अलग से नहीं निकाल रहा हूँ, माइनर ऑटोमेटिकली कोफैक्टर के लिए मुझे निकालने में आने ही वाला है। सो फर्स्ट टाइम गोइंग फॉर कोफैक्टर्स C11 माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 1 इंटू M11 minus 1 raised to 2 into what is M11 minus 1. So this is minus 1. C12 which will be minus 1 raised to 1 plus 2 into M12, that is minus 1 raised to 3 into M12 kya ho jayega? M12 will be 2. So minus 1 into 2 minus 2. So C21 minus 1 raised to 2 plus 1 into M21. That is minus 1 raised to 3 into M21. Minor of element 21, that is minus 1. So it will be minus 1 into minus 1, this is plus 1. Next cofactor C22, that is minus 1 raised to 2 plus 2 into M22, minus 1 raised to 4 into what is M22? M22 का माइनर क्या होगा? तो माइनस वन का माइनर क्या होगा? ये थ्री इज वन इंटू थ्री, दैट इज थ्री। सो हमें कोफैक्टर्स मिल चुके हैं, अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इसको प्रेजेंट करना है। So minus 1, minus 2, 1, 3 और कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाने के बाद अब एडजॉइंट निकालेंगे हम।
एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए का हिसाब है ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स माइनस वन माइनस टू वन थ्री, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड वन थ्री। एंड अब हम फाइनल स्टेप पे आते हैं इनवर्स ढूंढने के लिए। ए इनवर्स क्या है, फॉर्मूला वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, क्योंकि वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए का क्या मिला था, दैट इज माइनस वन, और इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स माइनस वन वन माइनस टू थ्री एंड दिस इज माइनस वन, अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस वन टू माइनस थ्री। सो फाइनली दिस बिकम्स योर इनवर्स, ए इनवर्स मैट्रिक्स। सो ये हो गया क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑर्डर टू मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जाम्पल ऑर्डर टू का जो है वो आप होमवर्क में करेंगे, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है, लेट अस टेक दैट। कंसिडर मैट्रिक्स ए। नाउ स्टूडेंट्स आप आपके ही बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें ये मैं चाहता हूँ, क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन देखे हुए हैं, यू कैन डू इट बाय योर ओन। तो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देते रहूंगा, यू साइमल्टेनियसली सॉल्व। यहाँ पे हम पहले हियर विल गेट डिटर्मिनेंट वैल्यू टू चेक वेदर इट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है। प्रॉपरली यू टू एक्सपांड जीरो इंटू जीरो जीरो माइनस जीरो अगेन, सो द नेक्स्ट आंसर विल बी टेन माइनस जीरो टेन, टेन इंटू वन टेन माइनस जीरो फाइनल इट इज टेन एंड इज नॉट इक्वल टू जीरो and therefore determinant A is not equal to 0, which means matrix A is non-singular. So we can say matrix A is invertible, or you may say A inverse does exist. So now we can proceed with the adjoint method, which is expected here. So now first step of that to find out the cofactors, let us find the first cofactors, nine elements, nine cofactors. First cofactor of first element C11 माइनस वन तो बेस में लिखना ही है, रेस टू में उसका जो पोजीशन है वन प्लस वन इंटू एम वन वन, तो माइनस वन रेस टू टू और एम वन वन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमिनेट करो
2405 ये डिटरमिनेंट बनता है. यू सॉल्व 1 माइनस 1 रेज टू 2 दैट इज 1 एंड 10 माइनस 0 फाइनली इट इज 10. नेक्स्ट विल ऑब्टेन C12 माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 2 into M12 that is going to be minus 1 raised to 3 and M12 kya ho jayega dekho first row second column aap chhod do so determinant kya banna chahiye that is 0405 it will be minus 1 raised to 3 minus 1 0 minus 0, that is going to be 0. Next, C13 minus 1 raised to 1 plus 3 into M13. So, it is minus 1 raised to 4. M13 kya ho jayega? First row, third column. जीरो टू एंड जीरो जीरो एक्सपांड करिए माइनस वन रेज टू फोर इज प्लस वन एंड डिटर्मिनेंट एक्सपांड करेंगे फिर भी अगेन जीरो जीरो इंटू वन जीरो. नेक्स्ट C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस वन रेज टू टू प्लस वन into M21 which is going to be minus 1 raised to 3 and minor ka determinant kya banega M21 second row first column so it will be second row first column it will be 2 3 and 0 5 minus 1 raised to 3 and 10 minus 0 so 10 minus 0 10 10 into minus 1 minus 10. Next C22 minus 1 raised to 2 plus 2 into M22 so माइनस वन रेस टू फोर इंटू एम टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करो क्या बचता है डिटरमिनेंट 1305 चलिए इट इज गोइंग टू बी 5 माइनस 0 दैट इज 5. नेक्स्ट C23 माइनस 1 रेस टू 2 प्लस 3 इंटू एम टू 3 माइनस वन रेस टू फाइव ऑड है पावर टू थ्री का क्या फैक्टर ये माइनर क्या बनता है इट विल बी 1200 माइनस वन इंटू जीरो माइनस जीरो इट विल बी जीरो जीरो इंटू माइनस वन जीरो. नेक्स्ट C31 माइनस वन रेस टू थ्री प्लस वन इंटू M31 माइनस वन रेस टू फोर इंटू डिटर्मिनेंट M31 का माइनर का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 23 एंड 24 माइनस वन रेस टू फोर इज वन इट इज 8 माइनस 6 2. Next, C32 minus 1 raised to 3 plus 2 into M32. What is minus 1 raised to 5 odd hai. And M32 will be थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करो क्या बचता है 1304 माइनस वन इंटू
4 minus 0. That is 4, 4 into minus 1 going to be minus 4. Next, and the last one, C33. That is minus 1 raised to 3 plus 3 into M33, minus 1 raised to 6, M33, 1202. 1202 determinant banega and minus 1 raised to 6 is plus 1 and determinant expand karo 2 minus 0 2 2 into 1 2. तो इस प्रकार से हमने सभी कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड एज अ जस्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले मेंशन कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. जो कोफैक्टर के एलिमेंट आपने ढूंढे हैं उसके द्वारा आपको जो मैट्रिक्स बना के लेना है, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स. जितने भी एलिमेंट्स नो एलिमेंट जो हमारे मैट्रिक्स के लिए है वो आप खाली उसको प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर दो. It becomes co-factor matrix. So 10 0 0 minus 10 5 0 and 2 minus 4 2. ओके, ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए, दैट इज टू बी ऑब्टेन बाय हैविंग ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो ए एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए. जो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है उसका आपको ट्रांसपोज लेना है. एज यू नो ट्रांसपोज इज यू टू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम. सो दिस इज व्हाट द एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी. That is 10, 0, 0 column wise, minus 10, 5, 0, 2, minus 4, 2. And this is what your adjoint A. And the last and the final step, which is to be executed, that is the final step for going getting A inverse, that is 1 upon determinant A into adjoint A. So 1 upon determinant A ka value kya mila tha students? Starting aapne find out kiya hai, that is 10. And into mein adjoint A matrix substitute kar do, jo aapne upar dhunda hai. So with that, this is what you call your A inverse matrix. Finally, आप 1 upon 10 अंदर भी ले सकते हैं. This is done. So student, एक question जो था ये आपका order 3 matrix का था. First two question was based on order 2 matrix. Students, ये ही questions आप बाकी जो स्टार्टिंग की जो दो मेथड हमने की रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन उससे भी आप कर सकते हैं. यू कैन हैव प्रैक्टिस क्योंकि आपको ए इनवर्स का तो मैट्रिक्स सेम ही मिलने वाला है. इवन यू यूज द प्रीवियस मेथड्स, पर मैं क्यों इंसिस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिलेगा. क्वेश्चन जो है उसको हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे. भले आंसर हमारे सामने रहेगा, आंसर क्या आना चाहिए, बट वी कैन प्रैक्टिस इट प्रॉपरली. जो भी अलग अलग मेथड है उसका हम
प्रॉपरली प्रैक्टिस ले सकते हैं. सो यू कैन अप्लाई दोज मेथड्स फॉर दिस क्वेश्चन. मैंने आगे जो क्वेश्चंस बोले थे रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त हमने जो क्वेश्चन लिए उस क्वेश्चन को आप एडजॉइन मेथड से कर सकते हैं. सो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ जाती है. जस्ट यू टू टेक दिस क्वेश्चन फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. बस आपको बराबर से मेथड को प्रैक्टिस में लेके फ्लुएंट बनाना है एंड कैलकुलेशन प्रॉपर रखना है विदाउट एनी मिस्टेक यू हैव टू परफॉर्म द होल प्रोसेस. थैंक यू फ्रेंड्स.